सैंडविच बनाएंगे उसके लिए ब्रेड की स्लाइस को मैंने साइड से कट करके रेडी किया है। सब वेजिटेबल को हम महीन कट करेंगे। प्याज, बड़ी वाली हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, गाजर, चाट मसाला, नमक, अमूल बटर, अमूल चीज़। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें सब वेजिटेबल को डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करना। 1 टीस्पून हम चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर अमूल क्यूब चीज़ यूज़ में लिया है। मैंने लगभग आधा क्यूब यहाँ पर कद्दूकस किया है। आप चाहो तो अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उस पर बटर हम अच्छे से लगाएंगे। एक और हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे, इसमें हम बटर अच्छे से लगाएंगे। अब हमने जो वेजिटेबल का मसाला रेडी करके रखा है वह हम ब्रेड की स्लाइस पर अच्छे से लगाएंगे। अब हम अमूल चीज़ की स्लाइस लेंगे और इसे अच्छे से निकालेंगे। इसकी स्लाइस को इस पर अच्छे से लगाकर हम दूसरी ब्रेड इस पर अच्छे से रखेंगे। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर अच्छे से बटर लगाएंगे और इसी तरह हमें दूसरी चीज़ ब्रेड सैंडविच रेडी करनी है। इसका टेस्ट वाकई बहुत टेस्टी और यम्मी होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। गैस को ऑन करेंगे और पैन जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें घी डालेंगे। गैस को हमें कम ही रखना है। जो ब्रेड हमने रेडी करके रखी है वह हम इस पर रखेंगे। दोनों साइड अच्छे से घी लगाकर ही हमें चीज़ सैंडविच को अच्छे से सेकना है, तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी होगी। गैस को हमें कम ही रखना है। दोनों साइड ही हमें चीज़ सैंडविच को अच्छे से सेकना है। बच्चों को यदि खुश करना है तो आप चीज़ सैंडविच ज़रूर बनाइए। दोनों साइड अच्छे से सिक चुकी है। चीज़ सैंडविच रेडी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अब हम इसे कट करेंगे।